दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डुअल टेक में। आज फिर उपस्थित हूँ मैं BSNL से जुड़ी वीडियो को लेकर। BSNL अभी लॉकडाउन को देखते हुए काफ़ी सारे ऑफर निकाल रहा है ताकि लोगों की हेल्प हो सके, और एक ऑफर इसने ऐसा निकाला है जिसमें आपके लिए सब कुछ फ्री होने वाला है, यानी आपके लिए रिचार्ज कराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप बात करते रहिए। और बाकी की बात में करेंगे हम बात इसके सैलरी वगैरह से रिलेटेड और VRS वगैरह से रिलेटेड। चलिए पहले इस ऑफ़र को देख लेते हैं। वैलिडिटी ख़त्म हो रही हो तब भी चिंता ना करें, BSNL के ग्राहक 20 अप्रैल तक चलता रहेगा आपका प्रीपेड नंबर। देश में जारी कोरोना के संकट के बीच भारत सरकार निगम लिमिटेड, भारत संचार निगम लिमिटेड के ग्राहकों को सुविधा मुहैया करा रही है BSNL, भारत सरकार को। तो नई दिल्ली की रिपोर्ट है, देश में जारी कोरोना संकट के बीच भारत सरकार ने भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL के ग्राहकों को एक सुविधा मुहैया कराई है। BSNL के ग्राहकों का प्रीपेड नंबर 20 अप्रैल तक जो है चलता रहेगा, चाहे आपकी वैलिडिटी क्यों ना ख़त्म हो गई हो। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने न्यूज एजेंसी ANI से बात करते हुए कहा, भारत संचार निगम लिमिटेड यानी BSNL के प्रीपेड सिम को 20 अप्रैल तक बंद नहीं किया जाएगा, क्योंकि अभी स्थिति देश की इतनी ख़राब चल रही है, लॉकडाउन चल रहा है, तो लोग जहां फंसे हैं वहीं फंसे हैं। यहां तक कि लोग पैदल भी चल के आ रहे हैं, पैदल पैदल चल के आ रहे हैं 1400 किलोमीटर। अगर आप ट्विटर यूजर हैं तो ट्विटर पर आप ये खबरें पढ़ते रहते होंगे। भारत संचार निगम लिमिटेड के प्रीपेड सिम को 20 अप्रैल तक बंद नहीं किया जाएगा। आउटगोइंग कॉल के लिए सरकार आज 10 रुपये का रिचार्ज भी करेगी, 10 रुपये का रिचार्ज भी करेगी सरकार। बता दें कि देश में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। मैं दोस्तों बता दूं कि फ़िलहाल की कंडीशन में तो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। अभी एक मरकज कुछ था उसमें बहुत सारे जो थे कोरोना वायरस के पाए गए थे लोग, उसने बहुत ज़्यादा संख्या बढ़ा दी है। देश में लगभग 1800 से ऊपर क्रॉस कर चुकी है संख्या, तो इसलिए आपको भी सावधानी बरतनी है और इसमें पूरा सहयोग देना है, क्योंकि ये महामारी एक के लिए नहीं है, पता नहीं कब किसी को हो जाए। इसलिए आपको सावधानी बरतनी है और देश का सहयोग करना है, यही सबसे बड़ा सहयोग होगा आपके लिए। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक भारत में अब तक कोरोना वायरस के कुल 1071 मामले सामने आए हैं, क्योंकि ये न्यूज़ थोड़ी सी पुरानी है, 2 दिन पहले, लेकिन एक दिन में ही 600 मरीजों की संख्या बढ़ी है। इस बीमारी के अब तक 29 लोगों की मौत भी हो चुकी है इस बीमारी से। हालांकि थोड़ी राहत वाली बात यह है कि 100 मरीज अब तक रिकवर भी कर लिए गए हैं, यानी ठीक भी हो चुके हैं। कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए सरकार लॉकडाउन, सोशल डिस्टेंसिंग समेत हर संभव कदम उठा रही है, और बहुत सारे लोग जो है इसको लापरवाही में भी ले रहे हैं, लेकिन ऐसा ना करें। बता दें कि कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने एक दिन पहले दूरसंचार कंपनियों से अपील की थी कि वो प्रवासी श्रमिकों को एक माह के लिए सेवाएं निःशुल्क मुहैया कराएं, ताकि गरीब श्रमिक अपने परिजनों से बात कर सकें या संपर्क कर सकें। प्रियंका ने एयरटेल प्रमुख सुनील भारती, मित्तल रिलायंस प्रमुख मुकेश अंबानी और BSNL एवं वोडाफोन के प्रमुखों को अलग अलग लिखे पत्रों में खाना दवा आश्रय से वंचित उन लाखों प्रवासी मजदूरों की स्थिति को रेखांकित किया जो गृह राज्यों की ओर पैदल जा रहे हैं। प्रियंका गांधी ने कहा कि बड़ी संख्या में गरीब प्रवासी श्रमिक अपने गृह नगर जाने के लिए सैकड़ों किलोमीटर की पैदल यात्रा कर रहे हैं, उनके पास फ़ोन रिचार्ज करने के लिए पैसे भी नहीं हैं और वे अपनी संबंधित उनसे बात तक नहीं कर पा रहे हैं, संपर्क तक नहीं कर सकते। ऐसे में दूरसंचार कंपनियां हालात में सकारात्मक बदलाव ला सकती हैं। कांग्रेस महासचिव ने कहा कि वह उन लाखों प्रवासी मजदूरों के मानवाधिकार को रेखांकित करने के लिए पत्र लिख रही है जो भूखे प्यासे हैं और अपने घरों तक पहुंचने के लिए अनेक समस्याओं से जूझ रहे हैं। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि संकट के इस समय में देश के लोगों की मदद करना हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य है। प्रियंका ने यह भी कहा कि मैं अपने एक माह के लिए मोबाइल सेवा निःशुल्क कराने का अनुरोध करती हूँ, ताकि ये पुरुष एवं महिलाएं अपने परिजनों से आसानी से संपर्क कर सकें और उन्हें जीवन के मुश्किल समय में उनसे बात करने की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। तो दोस्तों ये थी आज की ये न्यूज़। अब बात करते हैं इसमें सैलरी के बारे में। तो सैलरी दोस्तों रेगुलर एम्प्लॉय की
2 अप्रैल को पे कर की जानी थी, अब देखते हैं कितने सर्कल्स की हो पाई है। ऐसा होता है कि कई सर्कल्स में डिफरेंट डिफरेंट टाइम पर सैलरी डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में, और भी बहुत सारी न्यूज़ जो है हम बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो यार, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो ताकि आपसे कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो पाए यूजफुल वीडियो का, क्योंकि मैं ऐसी लाइव न्यूज लाते रहता हूँ, लाइव बिल्कुल आपको दिखाता हूँ। तो ऐसा आप बिल्कुल भी जहाँ से मैं ना आए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों। दोस्तों अब बात करते हैं एक नए ऑफर के बारे में, जिसमें कि BSNL दे रहा है 1 महीने का मुफ्त रिचार्ज, जिसमें कि आपके लिए नेट भी मिलेगा, कॉलिंग भी मिलेगी, SMS भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। तो आज चलिए बात करते हैं कैसे इसको अपने नंबर पर एक्टिवेट करना है। तो कोरोना वायरस के लॉकडाउन को देखते हुए घर से करें काम, 1 माह तक मुफ्त नेट देगा BSNL। गोरखपुर की ये रिपोर्ट है, जितेंद्र पांडे इस आर्टिकल को लिखते हैं। गोरखपुर, बता दूं मैं कि गोरखपुर में BSNL का 4G लगना था, 1 अप्रैल से काम चालू होना था, टावर भी सेलेक्ट कर लिए गए हैं, बाकायदा सब काम हो गया है, लेकिन लॉकडाउन को देखते हुए उस काम को थोड़ा देर कर दी गई है उसमें, और लॉकडाउन के हटते ही फिर से चालू हो जाएगा उस काम को। लॉकडाउन के दौरान BSNL भारत संचार निगम लिमिटेड टेलीफोन उपभोक्ता घर बैठे बोर नहीं होंगे। BSNL ने उनके लिए ब्रॉडबैंड की सेवा शुरू की है, इससे वह माह भर तक मुफ्त ब्रॉडबैंड की स्पीड का उपयोग कर सकते हैं। यह व्यवस्था पूरे देश में लागू हुई है, अनलिमिटेड डाटा की सुविधा भी है। कोरोना संक्रमण पर प्रभाव रोकने के लिए हर कोई इस कोशिश में है कि लॉकडाउन पूरी तरह सफल रहे। इसे लेकर BSNL सभी लैंडलाइन ग्राहकों को 1 माह तक मुफ्त ब्रॉडबैंड की सेवा दे रहा है। इस दौरान उपभोक्ता अनलिमिटेड डाटा उपयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों बता दें, इसमें कोई लिमिट नहीं है, आपको अनलिमिटेड डेटा मिलेगा। सेवा बढ़ाने के लिए करना होगा भुगतान, अगर आप 1 महीने से ज़्यादा चाहते हैं इस सेवा को तो आपके लिए भुगतान करना होगा। बाद में सेवा बढ़ाने के लिए उन्हें मासिक प्लान के हिसाब से भुगतान करना होगा। गोरखपुर महाराजगंज जिले में करीब 8,000 लैंडलाइन उपभोक्ता हैं, इसमें से करीब 4,000 पहले से ब्रॉडबैंड कनेक्शनधारी हैं। शेष 4,000 उपभोक्ताओं को इस सेवा का लाभ मिल सकता है। पहले से ब्रॉडबैंड सेवा का उपयोग करने वाले उपभोक्ताओं को इसका लाभ नहीं मिलेगा। ऐसे सक्रिय होगा प्लान। कैसे करके आपको एक्टिवेट करना है इस सर्विस को? लैंडलाइन में ब्रॉडबैंड की सेवा का उपयोग करने के लिए आपको ये नंबर दिया है 1800-3451500 नंबर पर उपभोक्ता को डायल करना होगा। इसके लिए उपभोक्ता को स्वयं मॉडम क्रय करना होगा। तो दोस्तों नंबर एक बार फिर बता देता हूँ मैं, 1800-3451500, इस पर आपको कॉल करना होगा। कनेक्शन के लिए भी नहीं लगाना होगा चक्कर, अगर आपका ब्रॉडबैंड कनेक्शन नहीं है तो, अगर आप चाहते हैं और इस सेवा का लाभ उठाना चाहते हैं तो आपके लिए कोई चक्कर लगाने नहीं है ऑफिस के। ब्रॉडबैंड कनेक्शन के लिए लैंडलाइन उपभोक्ता को BSNL ऑफिस का चक्कर लगाना पड़ता है, पर इस सुविधा के तहत कनेक्शनधारियों को ऑफिस का चक्कर लगाना नहीं है, बल्कि सिर्फ एक नंबर डायल करना है। नंबर ब्रॉडबैंड के लिए एक्टिवेट होने के बाद उसे चाहें तो घर से मॉडेम में इंस्टॉल कर सकते हैं, अथवा उसके लिए SDO BSNL से संपर्क कर सकते हैं। लॉकडाउन पीरियड में BSNL की यह सेवा लोगों को बड़ी राहत देगी, ये ऐसा मानना है। निशुल्क ब्रॉडबैंड सेवा लोगों को इसलिए प्रदान की जा रही है कि लॉकडाउन के दौरान लैंडलाइन उपभोक्ताओं को परेशानी ना उठानी पड़े, वह घर से ही अपना कार्य कर सकें। RN यादव लिखते हैं इस आर्टिकल को। तो दोस्तों ये थी आज की न्यूज़, और दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो यार, चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि मैं ऐसी BSNL रिलेटेड और भी बहुत सारी टेक्निकल रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ अपने चैनल पर, जो कि बिल्कुल गारंटेड मैं लाइव दिखाता हूँ करके। कोई भी फेक न्यूज़ नहीं मिलती है चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो ताकि आपसे कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो पाए। चलिए दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।